वेलकम फ्रेंड, स्वागत है आपको क्राउन ओपिनियन पार्ट टू की वीडियो में। और देख सकते हैं एक पायलट बेयरिंग का कोन है, जो इसको कोन लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये देख सकते हैं कोन इसके अंदर डाल देना है पिनियन के अंदर, और इसको कोई चीज़ से इसको हथौड़ी या छेनी से इसको अंदर जाने देना है, यानी मार देना है ताकि हमारा अच्छे से बैठ जाए। और इसके ऊपर एक लॉक आएगा फ्रेंड, इसके अंदर में आएगा, तो इस लॉक को ले लेना है। और लॉक को प्लांस की ज़रूरत पड़ेगी आपको, प्लांस जो लेकर आपको इसको अंदर घुमा घुमा कर जाएगा, घूम घूम कर जाएगा। तो ये देख सकते हैं मैंने प्लांस लिया है, प्लांस से इसको डाल रहा हूँ अंदर के इसको, और अच्छे से इसको बैठा देना है ताकि ये निकले नहीं, इससे भी नुकसान बहुत होता है। तो इसको प्लांस से बैठा कर और इसको घुमा कर देखना है ये फ्री है कि नहीं, ये घूमता भी है फ्रेंड, तो इसको घुमा कर देख लेते हैं फिर ये कि नहीं है। तो फ्रेंड मैंने बोला था आपको पार्ट टू की वीडियो लेकर आऊँगा क्राउन ओपिनियन का, मैंने पहले वीडियो में बताया था बाइबल चक्कर के बारे में कि कैसे फिटिंग करना है, और ये बता रहा हूँ टोटली क्राउन फिटिंग का। तो अब चलते हैं ये हांडी के पास, और इस हांडी में क्या करेंगे हम हाउजिंग में, इसके ये देख सकते हैं सिम्स, जो भी सिम्स इसमें आती है आपको पता होगा सिम्स किस लिए डालते हैं हम लोग, ताकि हमारा जाम ना हो जाए। तो ये सिम्स डालने के बाद अब चलते हैं ये पिनियन में बैरिंग को डाल देते हैं। तो फ्रेंड ये बैरिंग को अच्छे तरीके से डाल ठोकना है ताकि हमारा बैरिंग ख़राब नहीं हो। बैरिंग भी डाल दिया, अब ये उल्टा बैरिंग है देख सकते हैं, उल्टा एक और सीधा आएगा, तो ये उल्टा बैरिंग मैंने डाल दिया है। अब चलते हैं पिनियन को हाउजिंग के अंदर डाल देना है, हाउजिंग के अंदर डालकर घुमा कर चेक कर लेना है कि फ्री एक घूम रहा है कि नहीं। ये पायलट बेयरिंग साथ में घूमेगा, ये बड़ा बेयरिंग जो मैंने डाला वो नहीं घूमेगा। अब इसको क्या करना है, कोन ले लेना है बेयरिंग के कोन को, कुछ उल्टा ही आएगा जैसे बेयरिंग था उसी हिसाब से इसको कोन को डालना है। और ये कोन डाल कर कोई भी चीज़ हथौड़ी छेनी से लेकर, हथौड़ी छेनी लेकर इसको अंदर जाने देना है, एकदम हल्के हाथों से मारना है ताकि हमारा जो चूड़ियाँ रहती है हाउजिंग का, जो चूड़ी आती है बड़े चेकनेट का, वो ख़राब नहीं हो। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए आपको कम टाइम में पूरी डिटेल बताऊंगा आज, कम टाइम में पूरी डिटेल आपको क्राउन ओपिनियन का बताऊंगा आज। ये देख सकते हैं मैं कैसे इसको डाल रहा हूँ अंदर में, इसको बैठा दिया मैंने। अब इसके अंदर फ्रेंड बैठाने के बाद क्या करेंगे, ये वाइसर ले लेना है, ये वाइसर को डाल देना है कुछ इस तरीके से, उल्टा या सीधा कुछ भी दिक्कत नहीं है, इसको सेम ही आएगा, इसको डाल देना है। तो फ्रेंड अगर कभी भी आपका ओपिनियन अगर जाम हो जाता है चेकनेट टाइट करने के बाद, तो ये भी वाइसर को, ये जलेबी वाइसर कुछ पहले आता था अलग, अभी ये 641 का है ये क्राउन, तो 641 में कुछ ऐसे ही आएगा, 641 के क्राउन में कुछ ऐसे ही जलेबी आता है इसका वाइसर, बड़ा वाइसर। और फिर से ये सीधे कोन को सीधे बेयरिंग डालना है, ये देख सकते हैं मैंने सीधा इसका कोन डाला हूँ। तो चलिए निकाल कर दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं इसको मैं अब ये भाग को ऊपर करूँगा, मतलब सीधा रखूँगा इसको, एक सीधा एक उल्टा बेयरिंग आएगा, और इस बेयरिंग को भी सीधा रखूँगा। तो फ्रेंड मैंने बताया वाइसर का, अगर पिनियन जैसे कि अपना चेकनट जो फ्लांच आता है, जो हमारा सापाट लगता है फ्लांच में, और उसके बाद चेकनट आता है आपको पता होगा, वो डालने के बाद अगर आपका पिनियन जाम होता है, तो ये छोटा वाइसर जो मैंने दिखाया बताया था उस वाइसर में आप सिम्स डाल सकते हैं ताकि हमारा फ्री हो जाए। तो ये देख सकते हैं मैंने फिर से ये पिनियन को डाल, ये बेयरिंग को डाल रहा हूँ पिनियन के अंदर। तो कभी भी ये जाम होता है तो सिम्स डालकर आप उसको चाल निकाल सकते हैं, अगर सिम्स नहीं है चाल पड़ गया है तो उसको वाइसर को मीडियम डाल सकते हैं। तो ये भी बेयरिंग मैंने डाल दिया, अब इसके बाद क्या करते हैं, वाइसर आएगा इसका जो हमारा फ्लांच को टेंशन दे के रखता है। अब ये देख सकते हैं ये वाइसर को मैंने डाल दिया, इस तरीके से वाइसर आएगा लॉन्ग भाग, ये देखते हैं डाउन भाग को नीचे रखेंगे और लॉन्ग भाग को ऊपर रखेंगे, अब ताकि हमारा इस पर जो फ्लांच आता है फ्लांच को इस पर टेंशन देता है, ये अगर नहीं वाइसर डालते हैं तो आपका कोई काम नहीं, फ्लांच एकदम से जाम हो जाएगा, यानी चेकनेट आपका अच्छे से टाइट नहीं होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे फ्रेंड, ये बड़ी वाइस चेकनेट को ले लेंगे, बड़ी चेकनेट जो इसमें होलसेल आती है, जो हमारे बेयरिंग को टेंशन दे के रखती है, बेयरिंग को रोक के रखती है, अगर ये नहीं रहेगा तो हमारा पूरा पार्ट बाहर आ जाएगा, फ्लांच या कुछ भी टाइट करने से कोई मतलब नहीं है। तो ये चेकनट से बेयरिंग को रोक के रखता है, तो ये चेकनट को कुछ इस तरीके से टाइट करना है, हाथ से या कोई डिसमिस हो
डिस्मी से टाइट करना है इसको, ड्राइवर से चाहे कोई भी चीज़ से आपको जो इसमें लग जाए अच्छे तरीके से इसको टाइट कर लेना है। उसके बाद आपके पास कोई अगर चीज़ है कि इसको टाइट करने के लिए, तो कोई भी चीज़ से इसको टाइट कर सकते हैं या छेनी हथौड़ी से टाइट कर सकते हैं। छेनी हथौड़ी से भी इसको अच्छे तरीके से टाइट कर देना है, ज़्यादातर लोग छेनी हथौड़ी से इस्तेमाल करते हैं इसमें। तो देख सकते हैं मैं इस डिस्मी से देख कर रहा हूँ, ये फ्री जाता है फ्रेंड, एकदम नॉर्मली जाएगा ये फ्री, जाम नहीं जाना चाहिए, नहीं तो ये क्या होता है थोड़ा भी इधर उधर होगा तो जाम जाएगा, ये फ्री जाना चाहिए। अगर फ्री नहीं जा रहा है तो कोई चीज़ आप देख सकते हैं इसको टाइट करके हथौड़ी छेनी से, अगर अच्छे से टाइट हो रहा है तो टाइट कर सकते हैं। तो फ्रेंड क्राउन पिनियन फिटिंग करने का कुछ मुश्किल काम नहीं है, आप उसको फिट कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल से देख कर आप फिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। ये 641 का जो क्राउन है ये 60 में अभी आ जाएगा आजकल, 3516, 3518, 4018 सब में आजकल यही मॉडल दे रहा है, कोई अलग नहीं किया है। तो चलते हैं इसको फिर से अच्छे से टाइट करते हैं 4018। अब ये फ्लांज मैंने रख दिया है, फ्लांज और चेकनेट को टाइट करके देखता हूँ हमारा फिनियन फ्री है कि नहीं है, अगर जाम रहेगा तो इसमें वाइसर रख के मैं फ्री करूँगा। तो पहले इसको टाइट करता हूँ मैं, ऐसे ही नॉर्मल हाथों से टाइट करके चेक कर लेता हूँ। आप नॉर्मल हाथों से चेक कर सकते हैं टाइट करके इसको, आपको खुद पता चल जाएगा कि हमारा पिनियन फ्री है कि जाम है। अगर जाम रहता है तो आप इसको वाइसर, मैंने बताया था आपको, उस पर सिंस डालकर आप फ्री कर सकते हैं। तो इसको देख सकते हैं मैं कैसे टाइट कर रहा हूँ इसको, 50 का चौकड़ी लगेगा आपका, 50 का बॉक्स पाना लगेगा और चौकड़ी इसमें कोई भी चीज़ का आप डाल बनाकर कर सकते हैं। तो अब इसको हथौड़ी से थोड़ा देख लेता हूँ पीट कर, ये थोड़ा जाम है, इतना जाम नहीं होना चाहिए। अब मैंने खोल कर पहले से दिखा फिटिंग कर दिया था फ्रेंड, अब आपको ये दिखाता हूँ फ्री कितना है, इसके जैसा घूमना चाहिए। तो आपका फ्री है फ्लांच, यानी आपका फ्री है, ये सही है, एकदम हल्के हाथों से ये देख सकते हैं कैसे घूम रहा है, कितने राउंड घूम जा रहा है अपने आप। आप चलते हैं इसको डायरेक्ट आपको दिखाएंगे, ये देख सकते हैं मैंने थाली क्राउन के हाउजिंग के अंदर डाल दिया है और चेकनेट भी लगा दिया है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, इसमें बताऊँगा आपको। तो फ्रेंड ये जो दोनों साइड की चेकनेट आती है इसको आपको राइट का राइट में लगाना है, लेफ्ट का लेफ्ट में लगाना है, नहीं तो क्या होता है चेकनेट इसका वो काम नहीं करता है। तो ये 27 नंबर का बोल्ट भी आएगा बड़ी, और इसमें दोनों साइड में बेरिंग है, बेरिंग को भी अच्छे तरीके से डालना है आपको, और इसमें चेकनेट आएंगी बड़ी चेकनेट, ये देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से चेकनेट आएगा इसका, जिसको भी हल्के हाथों से लगाना है। ये अगर टेपर रहता है आपका तो क्या होगा फ्रेंड, चूड़ी की नुकसान हो जाएगी। तो फ्रेंड ये देख सकते हैं आप कि जो लेफ़्ट साइड का भाग होता है फ्रेंड, लेफ़्ट साइड को सबसे पहले क्या करना है, राइट साइड को चेकनेट को फेस पे रख देना है। फेस पे रखने के बाद क्या करना है आपको, लेफ़्ट साइड का जो चेकनेट आता है उसको आपको टाइट कर कर ये जो थाली दिख रहा है आपको पिनियन के साइड में दबा देना है, यानी टाइट करना है, तो जाम हो जाएगा। एक बार आप लोग जाम करके उसको, एक बार उसको जाम करके आपको फिर से राइट साइड का चेकनेट से आपको फ्री करना है। और इसमें आपको बता दूँ थाली और पिनियन का जो कनेक्शन होता है फ्रेंड, आपको इसी से निर्भर करता है कि आपको का कितना काम सही है कितना गलत है। तो यही चेकनेट से आपको दोनों को नॉर्मली, ये देख सकते हैं मैंने दोनों बोल्ट को नॉर्मली टाइट किया है, नॉर्मली टाइट किया ताकि हमारा अच्छे से चेकनेट काम कर सके। तो ये लेफ़्ट साइड के चेकनेट से आपको जाम कर देना है पहले, और राइट साइड का जो आपका चेकनेट आता है, ये देख सकते हैं राइट साइड का चेकनेट अभी भी हम लोग टाइट कर रहे हैं, उसको आपको फ्री करने के लिए, ताकि हमारा जो पिनियन और थाली का जो कनेक्शन बताया मैंने आपको कि दोनों मिल जाएंगे तो जाम हो जाएगा, तो उसको कम करने के लिए आप यहाँ से राइट साइड से आप टाइट करेंगे और लेफ़्ट साइड से उसको धीरे धीरे ढीला करना है। तो ये देख सकते हैं इसको मैंने कम्प्लीटली कर दिया टाइट, अब इसको लेफ़्ट साइड से मैं जाम करता हूँ, इसको ये जाम कर रहा हूँ मैं ताकि हमारा पिनियन और थाली एक साथ मिल जाए। तो क्या होगा कि हमारा पिनियन और थाली जाम हो जाएगा, यानी क्राउन जाम हो जाएगा। तो देखते रहिए कैसे जाम कर रहा हूँ मैं इसको,
और जो पिनियन और थाली का कनेक्शन जब हो जाएगा फ्रेंड, तो उसमें 8 थाऊ आपको प्ले रखना है, यानी चाल रखना है, 8 थाऊ, ज़्यादा नहीं। आप कितना रखते हैं ये तो पता नहीं, मगर हम लोग 8 थाऊ रखते हैं ताकि हमारा सही रहता है। तो ज़्यादा अगर कम चाल रखते हैं तो क्या होगा कि थाली और पिनियन ज़्यादा टाइम नहीं चलेगा, कम टाइम में आपको पूरा खा जाएगा वो। तो ये अब इसको थोड़ा पीट कर देख लेना है क्या करता है ये। तो फ्रेंड कभी भी क्राउन पिनियन आप सेट करते हैं, फिटिंग करते हैं, तो ये ख़ास ध्यान रखना है आपको कि प्ले आपको कितना रखना है आपको ध्यान देना है। मैं 8 थाऊ रखता हूँ तो हमारे लिए सही रहता है, कभी नुकसानदायक नहीं हुआ है। तो ये लेफ़्ट साइड का जो टेकनेट है, टाइट करने के बाद क्या होगा आपका क्राउन पिनियन को, मैंने पहले भी बताया कि जाम हो जाएगा। और राइट साइड से आपको फ्री करना है, ये देख सकते हैं मैं राइट साइड का चेकनेट ढीला कर रहा हूँ और फिर से मैं लेफ़्ट साइड को चेकनेट को टाइट करूँगा, क्योंकि अगर राइट साइड का चेकनेट पूरा टाइट रहेगा फ्रेंड तो आपका लेफ़्ट साइड का चेकनेट नहीं चढ़ेगा, एक को ढीला और एक को टाइट करना पड़ता है। तभी ये देख सकते हैं मैं पूरी तरीके से इसको टाइट कर लेता हूँ, उसके बाद देखिए एक जाम हो गया, एकदम जाम हो गया ये। अब इसको फ्री करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो लेफ़्ट साइड का चेकनेट है उसको ढीला करेंगे आप, और राइट साइड के चेकनेट को जितना आप इसको ढीला कर रहे हो उतना उसको टाइट करना है राइट साइड के चेकनेट को। अब मैं इसको ढीला कर रहा हूँ, यानी खोल रहा हूँ, इसको खोलूँगा ताकि हमारा राइट साइड का जो चेकनेट है वो हमारा चेकनेट अच्छे तरीके से टाइट हो, तो हमारा क्राउन पिनियन क्या है फ्री होगा। अब ये देख सकते हैं मैं राइट साइड का टाइट कर रहा हूँ ताकि हमारा क्राउन पिनियन जो है फ्री हो जाए। अब इसको मैं ढीला कर रहा हूँ, अब इसको टाइट कर रहा हूँ। तो यही दो जो जो चीज़ है आपको ख़ास ध्यान रखना है तो आपका क्राउन पिनियन एकदम अच्छे तरीके से टाइट होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी आपको। तो ये राइट साइड से फ्री, मैंने बताया, बार बार बता रहा हूँ कि राइट साइड से ही आपको फ्री होगा और लेफ़्ट साइड से जाम होगा, जो आपको राइट और लेफ़्ट का पता चल जाएगा। नहीं पता चलेगा तो इसमें क्या है फ्रेंड, साइड बोल्ट देता है इसका, जो साइड बोल्ट आते हैं आपको लेफ़्ट साइड में ही आता है, उसको आप देखकर पता कर सकते हैं कि ये लेफ़्ट राइट कैसे पता चलेगा। तो साइड में एक लंबा सा बोल्ट देता है सपोर्ट के लिए। तो ये फ्री है, अब इसको चाल चेक कर फिर देखता हूँ कितना बताता है। तो ये सही है फ्रेंड, अब इसको मैं टाइट कर लेता हूँ। तो ये देख सकते हैं एकदम 8 थाऊ चाल रखना है मेरे को, अब उतना ही रखूँगा मैं, ताकि हमारा पिनियन और थाली का कनेक्शन जो एकदम नॉर्मल तरीके से सही रहे, ताकि हमारे लिए नुकसान ना हो। तो ये पिनियन थाली का बहुत कनेक्शन गहरा है इन दोनों का, चेकनेट का भी बहुत गहरा कनेक्शन है, जो कनेक्शन आपको मैंने बता रहा हूँ बार बार कि कैसे आपको फ्री करना है, कैसे जाम करना है। तो ये फ्रेंड देख सकते हैं हम लोग चाल चेक कर रहे हैं ताकि हमारा कितना चाल है, अब ये फ्री है, ये नॉर्मल हाथों से घूम रहा है। अब ये दोनों चेकनेट को जब फ्री हो जाएगा हमारा, तो दोनों चेकनेट को टाइट कर देना है, और टाइट करने के बाद इस पर हथौड़ा देख रहे बजा रहा हूँ मैं कि चाल तो नहीं है, चाल इससे भी चेक कर सकते हैं। अब ये देख सकते हैं यहाँ से घूम रहा है, नीचे से फ्लैंक से अगर आपका घूम रहा है तो यानी हमारा क्राउन पिनियन सही सेट हो गया है। सेटिंग करने का यही सही तरीका है आपका, हमारे लिए तो सही रहा है, आपके लिए कैसा रहेगा आपको पता, और नहीं पता है तो भाई हमारे यूट्यूब चैनल से इस वीडियो को देखकर शायद आप लोग सीख सकते हैं, आप लोगों को सीखने का अच्छा मौका है हमारे यूट्यूब चैनल से। आप ये वीडियो देखने के बाद आपको बहुत अच्छा रहेगा। अब ये प्ले चेक कर लेते हैं फिर से, तो ये हो गया हमारा कम्प्लीटली कम्प्लीट, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से जब हमारा कम्प्लीट हो गया है तो ये यहाँ पे बोल्ट पट्टी का बोल्ट देता है, यानी साइड का हमारा जो चेकनेट ढीला होता है कभी, तो ये जो आता है लॉक, ये लॉक रोक के रखता है, दोनों साइड में आएंगे, लेफ़्ट और राइट दोनों साइड में। तो ये दोनों साइड में हम लोग अच्छे तरीके से टाइट कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे 27 के जो बोल्ट आती हैं स्टड, इन चारों स्टड को भी टाइट करेंगे। तो पहले हम लोग पट्टी का बोल्ट, ये लॉक जो है लॉक को टाइट कर लेते हैं, उसके बाद इसको मिला लेता हूँ, ये सही से नहीं आ रहा है लॉक, अब इसको मिला लेता हूँ मैं, और उसके बाद लॉक को टाइट करूँगा मैं। दोनों तरफ का पट्टी में लगा रहा हूँ,
लॉक, और लॉक लगाने के बाद ये चारों स्टार कोट में टाइट करूँगा। कैसे टाइट करूँगा, किस तरीके से आप देख सकते हैं, एल टामी या कोई भी बड़ी सी टामी लेकर आपको टी कनेक्शन हो उससे भी टाइट कर सकते हैं। अच्छे तरीके से टाइट करना ताकि हमारा ढीला नहीं रह जाए स्टार को। तो फ्रेंड बहुत सारे मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग क्राउन बनाते हैं, क्राउन फिटिंग करते हैं, तो उसमें कुछ तकलीफ़ हो जाती है। इसके कारण क्या होता है, उसमें चाल पड़ जाती है, कभी कभी पिनियन और क्राउन का जो है जल्दी से ख़त्म हो जाता है। तो ये है सही तरीका, इस तरीके से आप फिटिंग करते तो कभी आपको नुकसान नहीं होगा, सही होगा। अब ये हो गया हमारा लॉक टाइट। अब चलते हैं 27 का बोल्ट जो आता है, 27 नंबर का, उसमें अच्छे तरीके से टाइट कर लेता हूँ। फ्रेंड देख सकते हैं इसमें बड़ी सी रॉड मैंने डाल दी है, अब इसको टाइट कर रहा हूँ। इसको चारों बोल्ट टाइट करने के बाद क्या करना है फ्रेंड, जो क्राउन का जो थाली है, ये थाली में इसको ग्रीस लगा कर आपको चेक कर लेना है कि ज़्यादा खावा तो नहीं रहा है, मतलब खा तो नहीं रहा है, ज़्यादा काट तो नहीं रहा है। अगर ज़्यादा अंदर तक काटता है तो समझिए आपका फिटिंग सही नहीं है। अगर कम काटता है, यानी माचिस की तिल्ली रख कर उस ग्रीस के अंदर और उसको घुमा कर देखेंगे तो आपको, अगर माचिस की तिल्ली कटती नहीं है, नॉर्मल से कटेगी तो आपकी सही है। तो इसको भी मैं चेक करके दिखाऊंगा आपको, ये टाइट करने के बाद आपको उसको भी चेक करके भी दिखाऊंगा आपको। कम्प्लीटली ये टाइट हो चुका है, अब इसको मैं घुमा कर देख सकते, ये फ्री है, अच्छे तरीके से घूम रहा है ये। अब इसमें ग्रीस लगाकर मैं चेक करता हूँ कि खाता है कि नहीं खाता है। आपको भी अगर चेक करना है इसका कि क्राउन पिनियन हमारा कैसे सेट सही हुआ कि नहीं, तो उसका भी एक और तरीका बता रहा हूँ। ग्रीस और माचिस का तिल्ली रख देना है एक दांती में, ये देख सकते हैं ग्रीस भर रहे हैं हम लोग, ये तो थोड़ा हम लोग ज़्यादा भर रहे हैं, मगर आपको एक दांती में भर कर और उसमें माचिस का तिल्ली रख देना है। अगर नॉर्मल सी अगर उसमें दबाव होती है माचिस की तिल्ली पर, तो समझिए आपका सही है पिनियन कनेक्शन। अगर ये पिनियन, अगर क्राउन अगर जाम रखते हैं आप, तो आपको गाड़ी में दबने की भी शिकायत रहेगी, डीजल का भी खाने का शिकायत रहेगा। तो फ्रेंड ये कम काटा है, यानी सही है हमारा। अब एक बार माचिस का तिल्ली भी रख कर दिखाते हैं आपको, ये देख सकते हैं पूरी अंदर तक नहीं काटा है। तो माचिस का तिल्ली आप रख के उसको अपना कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं। अगर ग्रीस से नहीं पता चलता है तो उसमें माचिस का तिल्ली एक रख कर आप उसको कन्फ्यूजन अपना दूर कर सकते हैं। अगर ग्रीस से नहीं पता चलता है तो, अगर ग्रीस से पता चलता है तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। अगर माचिस का तिल्ली को कटता नहीं है माचिस का तिल्ली, तो आपका मतलब सही है, यानी माचिस की तिल्ली इतना इसको रहना चाहिए गैप थाली और पिनियन का, थाली और जो पिनियन का फ्रेंड गैप है, माचिस की तिल्ली इतना रहेगा ही रहेगा, उतना रखते हैं तो सही है, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको। तो ये साइड का लॉक बोल्ट, ये जो अपना साइड का बोल्ट आती है, ये देख सकते हैं माचिस का मैंने डाल दिया है। अब इसको घुमाकर देख लेते हैं कटता है कि नहीं कटता है। तो ये देख सकते हैं सही है, नहीं काटा, यानी हल्की सी दबाव इस पे आई है, नॉर्मल दबाव, पूरी तरीके से दबाव नहीं आई है, नॉर्मल दबाव आई है माचिस की तिल्ली पे। अगर नहीं भी दबाव आती है तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। तो ये देख सकते हैं कैसे फ्री है हमारा क्राउन पिनियन, फ्री एकदम, ये सही है, इतना राइट है, यानी सही है हमारा। तो फ्रेंड साइड का बोल्ट, अगर जैसे आप लोग साइड में, लेफ्ट साइड में बोल्ट आएंगी बड़ी सी तकरीबन 36 नंबर का, उसमें आपको रिंच लगाना है या छेनी से टाइट कर देना है, छेनी हथौड़ी से। तो ये देख सकते हैं मैं साइड में ग्रीस लगा रहा हूँ। तो ये भी अगर बोल्ट अगर जाम रखते हैं तो आपको अभी गाड़ी दबने का और डीजल का तकलीफ होता है। तो साइड में बोल्ट अगर टाइट करते हैं तो उसमें ग्रीस का रख लेना है और नॉर्मल इसको 1 mm इसमें मतलब गैप रहना चाहिए बोल्ट और थाली का कनेक्शन में, 1 mm गैप रहता है, 1 से 2, ज़्यादा नहीं। तो उससे क्या होगा, आपका जो साइड की बोल्ट है ज़्यादा टच नहीं रहेंगी थाली के में, तो सही है इसके लिए। तो ये इस तरीके से आप क्राउन पिनियन फिटिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह का वीडियो आपको लेकर आऊँगा। थैंक यू ऑल फ्रेंड।